बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोला कबाब की रेसिपी। ये आप मटन और बीफ दोनों के कीमे में बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चले चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए आधा किलो कीमा। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी शामिल होनी चाहिए और कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फिर इसमें डालेंगे एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, दो से तीन हरी मिर्चें चॉप्ड और दो चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चाय का चम्मच बेसन भुना हुआ, एक चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर, गोश्त गलाने के लिए काम आता है, आधा कप ब्राउन प्याज, चार से पाँच चम्मच घी, आप घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं, और एक चाय का चम्मच लीमू। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इस कीमे को इस तरह से चॉपर में अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आपने कीमा बिल्कुल बारीक करवा के मार्केट से परचेज़ करना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल बारीक हाथ से चॉप करके इसमें शामिल कर दें। फिर आप बीच में रखें कोई इस तरह से फॉइल, उस पर रखें गर्म हुआ कोयला और उस पर घी डालें और आपने इसको देना है धुआं और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको कवर करके रख दें। उसके बाद आप कोयले को रिमूव कर दें। फिर आपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाना है ताकि ये जो कीमे का बैटर है ये आपके हाथ से ना चिपके। इसके बाद आपने कबाब की शेप देनी है। गोला कबाब जो है इस तरह से राउंड सी शेप के होते हैं और आपने इस तरह से कोई स्ट्रॉ या सीख लेके आप इस तरह से उसके ऊपर लगा के और इस कबाब की प्रॉपर शेप दे सकते हैं। कबाब आपने बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने, तकरीबन दरमियाने से साइज़ के बनाने हैं ताकि गोश्त अंदर तक गल जाए, और इस तरह वन बाय वन करके आप तमाम कबाब को जो है शेप दे के रख ले। इस तरह से आप शेप देके कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको चाहिए आप उस वक्त निकाल के इनको फ्राई कर ले। और इसके बाद हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कबाब, बहुत ज़्यादा गरम ना हो कि जल जाए। और उसके बाद 3 से 4 मिनट आपने एक साइड से पकने के बाद इनकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से भी इसको आपने 3 से 4 मिनट ही पकाना है। इसके अंदर हमने गोश्त गलाने वाला पाउडर मिलाया हुआ है या कचरी पाउडर, जो भी आप ऐड करें, इस वजह से जो कबाब है अंदर जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। और फिर आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से हिला के आपने चारों तरफ से इसको इवनली फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जो है हमारे गोला कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। ईद पर बहुत मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर किया करें। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।